वह चला था दिल में जज्बा लिए, वह दीवाना था आजादी का। छोड़ दिया था बचपन उसने, उठाया था झंडा आजादी का। बचपन में ही खेतों में बोई बंदूकें, विचार लिया था आजादी का। हम बात कर रहे हैं उस 23 साल के नौजवान की जिसने अपनी जिंदगी देश के नाम कुर्बान की, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की। उसने महज 23 साल की उम्र में ही हमें आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चूमा था। पंजाब के एक छोटे से गांव में 28 सितंबर 1907 को हमारे देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी जन्मा था। जिसका नाम सरदार भगत सिंह था। भगता का नाता आगरा से भी था। आज फिर उस महान क्रांतिकारी का जन्मदिन है। 116 साल बीत जाने के बाद भी सरदार भगत सिंह आज भी जिंदा हैं हम सबके दिलों में। हमारा देश और प्रातः दर्पण न्यूज सरदार भगत सिंह के महान कार्य को सैल्यूट करता है। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। तो चलिए चलते हैं उस आजादी के दीवाने की दुनिया में। जिसने देश के हर युवा में जोश भरा है, जो बदले की भावना भी जगाता है और हर युवा की जुबान पर उसका नाम रहता है और कहता है वाह भगत वाह। ये उस पिता की संतान है जिसे दिल से सलाम करने का मन करता है। ये उस माँ की संतान है जिसे देश के हर व्यक्ति की माँ अपना बेटा मानती है। हम बात कर रहे हैं उस भगत सिंह की, जिनकी वजह से गुलामी की उन बेड़ियों को तो तोड़ चुके हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम सब मिलकर आजादी का 76वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने आजादी को पाया है, आजाद की देशभक्ति को दिल में बसाया है। जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांस थम जाए आवाज में वह धमक रखता हूँ। आज शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस है, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। वैसे तो अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों को देश के लिए न्योछावर कर दिया, मगर आगरा के लिए भगत सिंह और भी महत्वपूर्ण क्यों हैं? इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि आगरा में भी एक ऐसी हवेली है जिस हवेली में भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने की योजना बनाई थी। अब यह इमारत खंडहर बन चुकी है। पूरा देश 116वां जन्म दिवस मना रहा है।
क्रांति की अमर गाथा लिखने वाले भगत सिंह का आगरा से गहरा नाता रहा है। सरदार भगत सिंह अपने दो दोस्त सुखदेव और राजगुरु दोनों साथियों के साथ एक वर्ष लगातार आगरा में रहे। यहाँ नूरी दरवाजे पर स्थित एक कोठी में वे रहते थे। यहाँ पर उनके द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने के लिए बम बनाए गए। ये स्थान उनके लिए मुफीद रहा है, लेकिन जिस लाला छन्नोमल की कोठी में वे रहे, आज वो सरकार और प्रशासन की उदासीनता की शिकार है, क्योंकि इस हवेली की हालत बहुत खराब है और समय समय पर यहाँ के लोगों की मांग होती आई है कि इस हवेली को शहीद भगत सिंह की याद में संग्रहालय बनाया जाए, मगर यहाँ के प्रतिनिधि या समाज सेवी संस्था का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। यहाँ उन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल बिताया था, साथ ही लगातार 3 वर्ष तक वे आगरा के संपर्क में रहे। कारण था, एक तो आगरा में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि आगरा शांत माना जाता था, यहाँ रहने पर किसी को शक नहीं होता था। यहाँ आज भी वो इमारत है जहाँ सरदार भगत सिंह ने एक वर्ष का समय बिताया था, लेकिन आज ये इमारत बेहद जर्जर हो चुकी है। इस इमारत के लिए कोई समाज सेवी संगठन या प्रशासनिक अमले ने कोई कार्य नहीं किया। इंकलाब जिंदाबाद। आप मुझे तो मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को नहीं। ये उस युवा के विचार हैं, जिसकी उम्र महज सिर्फ 23 वर्ष थी। उस युवा को प्रातः दर्पण न्यूज दिल से नमन करता है।